खबर रायपुर से, जहां पे शुक्रवार को आग का जमकर तांडव देखने को मिला। कोटा गुड़ियारी इलाके में स्थित सीएसईबी यार्ड में लगी आग पर काबू पाने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। देर शाम सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम साय ने घटना की जाँच की भी बात कही है। रायपुर में आग का तांडव। बिजली विभाग के यार्ड में भीषण आग। विकराल आग ने मचाया हाहाकार। आग का ये विकराल रूप देखिए, लपटों का ये विध्वंस देखिए, आसमान तक ये गुबार देखिए। रायपुर के कोटा गुड़ियार इलाके में भारत माता चौक के पास सीएसईबी के यार्ड में शुक्रवार को आग ने भारी तांडव मचाया। दोपहर के वक्त यहां अचानक आग लग गई। शुरुआती तौर पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धीरे धीरे ये आग विकराल होती चली गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां आग लगने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची। ये आग यहां रखे ट्रांसफार्मर और सैकड़ों ड्रम ऑयल के कारण और भड़क गई, जिसके कारण ब्लास्ट भी हुई। खबर मिलते ही दमकल की टीमों के अलावा शासन प्रशासन के विभागों के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आसपास के लोगों को यहां से हटाया गया। तो हमारे घर हम छोड़ के आप खाली कर दो, आप ही जले हाथ में मैम, कहां खाली कर वो बता कति दा जा। वो बच्चों का परीक्षा है, लाइट की व्यवस्था है न, बिजली है न पानी है, बहुत सा समस्या है। लेके जा रहे हैं, लेके जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये परेशानी है। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज होता चला गया। एसडीआरएफ की दमकल गाड़ियों के साथ साथ कुछ उद्योगों और आसपास के जिलों से भी दमकल बुलानी पड़ी। कई घंटे तक आग बुझाने की मशक्कत चलते रही। खतरा इस बात का भी था कि अगर बिजली सब स्टेशन तक आग फैलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, इसलिए आग को रोकने के लिए जमीन पर पानी फैलाकर लगातार नम रखा गया। दिन ढल चुका था, लेकिन लपटे तब भी शांत नहीं हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद शाम 7 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका। बहुत आग लगा था, मतलब बहुत दूर तक इसका जो आँच है वो जा रहा था। हमको काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे हम लोग इसमें बहुत सारा फोम का उपयोग किए, फिर जाके कंट्रोल हुआ आग। देर शाम ग्राउंड जीरो पर सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी भी पहुंचे। इन्होंने हालात का जायजा लिया। सीएम साय ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच के बाद भी कही, कारण का भी तो पता नहीं चला है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहां पर आग लगी। जांच में सब रिपोर्ट आएगी तो क्या आवश्यकता, क्या रिक्वायरमेंट है, सब देखेंगे। बड़ी घटना घटित हुई है, परंतु भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। आग बुझाने के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीएम के सचिव पी दयानंद, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि आग की इस घटना की जांच कराएंगे। आग को नियंत्रण करना तो सौभाग्य की बात, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे खुशी की बात है। कुछ जांच के निर्देश देंगे सर? हाँ, किस कारण से लगा है उसका जांच का निर्देश है। निसंदेह रूप से जब भी कोई घटना होती है तो और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उस पर विचार अवश्य किया जाए। इसमें FIR भी दर्ज किया जाएगा और इसमें ये भी देखा जाएगा कि घटना किस तरह से हुआ है और उसमें जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से। हर घटना एक सबक देती है, तो इसमें भी निश्चित रूप से इससे कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा कि नई क्या चेंजेज इसमें करने की जरूरत है। आग विकराल थी, प्रचंड लपटों से शहर धुआं धुआं हो गया। इस हादसे में एक राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आर्थिक तौर पर नुकसान बड़ा हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। घटना स्थल पर दमकल के देर से पहुंचने पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे हादसों पर समय रहते काबू पाने में क्या प्रशासन के इंतजाम अभी नाकाफी हैं? राजेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।